स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बीजेपी ने पंचकुला में रोड शो निकालकर चुनाव का बिगुल बजा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां पंचकुला से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया, वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामों की जमकर सराहना की। बीजेपी ने पंचकुला से रोड शो निकालकर चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां पंचकुला से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया, वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यों की सराहना भी की। नड्डा ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को हूबहू लागू किया जा रहा है। आपने विशेष करके जो मेरा अभिनंदन स्वागत किया है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये अभिनंदन मेरा नहीं है, ये अभिनंदन और स्वागत है तो राजस्थान की जनता का है, छत्तीसगढ़ की जनता का है, मध्य प्रदेश की जनता का है और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का और लाखों लाखों कार्यकर्ताओं का। पंचकुला में जेपी नड्डा ने कहा कि हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा केरोसिन फ्री और गरीबी फ्री हो गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पहचान पत्र योजना ने हरियाणा की मूलभूत व्यवस्था को बदला है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालय के चक्कर अब नहीं लगाने पड़ते। नड्डा ने नारे लगवाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। आज मैं यहां खड़ा हूं तो इसलिए आपसे मैं चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि आप में से भी कोई वो चश्मदी दवा होगा घड़ी को। जब मैं और मोदी जी के साथ में यहां पर इस कार्यालय की जब नींव रखी जा रही थी, तो उस समय भी कुछ लोगों ने हाथ उठाया और कुछ लोगों ने अपने याद की है सतपाल जी की, तो वो भी हमने दिन देखे। इसलिए उनका जो चंडीगढ़ से विशेष संबंध है, ये हमको और हम सबको और गौरवान्वित करता है। ये भी हमको उन्होंने यहाँ पर हर सेक्टर में मीटिंग ली है, पार्टी को खड़ा किया है और आज देश को नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, हमारी जिम्मेवारी है कि जो उन्होंने बातों को आगे बढ़ाया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, पहरेदार के नाते, हम भी उसको आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखना तो अब ये होगा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश में खट्टर सरकार की योजनाओं का फायदा बीजेपी चुनाव में कितना उठा पाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।